अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मीन जफर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपला सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन एरिया में, जहाँ पे तमाम मराहल के बाद आप तक जो हमारा सीड पहुँचता है। आइए आपको दिखाते हैं ग्रेडिंग के तमाम मराहल और उसके बाद पैकिंग कैसी होती है। तो आए चलते हैं प्रोडक्शन एरिया में और आपको विज़िट करवाते हैं। आइए आपको तमाम ग्रेडिंग के मराहल दिखाते हैं। सामने दिखाई देने वाली जगह पर गंदम की ग्रेडिंग की जा रही है। इस जगह पर गंदम की मखसूस किस्म के बीज को डाल दिया जाता है, जहां से यह ग्रेडिंग के पहले मरहले में दाखिल हो जाता है। ग्रेडिंग मशीन अपलिफ्टर से इस बीज को उठाकर लोहे के मखसूस जाल पर फेंक देता है। इस तरह से गंदम के बीज की ग्रेडिंग शुरू हो जाती है। सामने दिखाई देने वाले मुख्तलिफ तीन हिस्सों में गैर जरूरी मवाद अलग कर लिया जाता है। इन हिस्सों में मट्टी, बारीक बीज और कटा हुआ बीज और दूसरे गैर जरूरी सीड्स को अलग कर लिया जाता है। साफ और शफाफ गंदम के बीज को इन दो हिस्सों से हासिल कर लिया जाता है। ग्रेडिंग के बाद हासिल होने वाले गंदम के बीज को आप देख सकते हैं, जो इंतहाई साफ और जानदार बीज दिखाई दे रहा है। इसके बाद वजन और पैकिंग का मरहला शुरू हो जाता है। पैकिंग मुकम्मल होने के बाद गंदम के इस बीज को एक खास किस्म के गोदाम में मखसूस दर्जे हरारत पर स्टोर कर लिया जाता है।